नमस्कार, आज मैं आपको साइटिका का पेन निकालने सिखा रही हूँ। एक बार ध्यान से देखें। पहले हम पेशेंट को ऐसे करवट के बल लेटाएंगे। इन्होंने राइट हैंड की करवट ली है, तो अब हमें इनका साइटिका का पेन निकालना है। कैसे करेंगे? एक पैर, ये नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा, और इसके ऊपर हम इस पैर को ऐसे रखेंगे। आगे हम पिल्लो लगाएंगे, उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पे बॉडी रख के, और फिर देखो इनको यहाँ L5 और S1 में यहाँ कंप्रेशर बढ़ा हुआ है इस जगह पे। तो हमें कैसे करना है, लंबा सांस लो, छोड़ दो, फिर से लो, छोड़ दो, ये। तो ये जर्क देने के बाद हमें रिलैक्स करना है। ये आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जर्क तो कोई परफेक्ट कायरोप्रैक्टर ही कर सकता है, बोन एडजस्टमेंट ये काम नहीं करोगे। बस बेसिक सा जो मैं बताऊंगी वो इतना सा करने से भी पेशेंट को काफी आराम आता है। साइटिका में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो हमारे लिम्फ होते हैं पेल्विक के आसपास, इनमें स्टिफनेस हो जाती है, तो यहां से दर्द सीधा पैर में जाता है। तो हमें इनको रिलैक्स करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा यहाँ ऐसे। 1, 2, इसको हम न्यूरोथेरेपी में परखू बोलते हैं। 3, 4, 5 और ये 6 परखू के बाद सेम दूसरी साइड करेंगे ऐसा ही। पैर से बदल लें, लो लंबा सांस, छोड़ दो, पीला, फिर रिलैक्स करेंगे। सेम 6 परखू हम राइट साइड देंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे। मेल हो या फीमेल, चेस्ट के नीचे पिलो जरूर लगाना है। उसके बाद अब इनको राइट लेग में पेन ज्यादा है, तो हमें पहले इस राइट लेग को पकड़ के मोड़ो, इस पैर को मोड़िए, 2 पिलो लगाएंगे और ऐसे रखेंगे। अब जो ये पेल्विक बोन है, हिप्स जोड़, इसके ऊपर या तो आप हाथ से प्रेशर डालिए ऐसे जितना ये सहन कर सके। आपको हाथ से ही डालना है जो इस वीडियो को देख रहा है। अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है न्यूरोथेरेपी की, तो हम स्टैंड का सहारा लेंगे। ये मेरे पास स्टैंड है, मैं अपनी बॉडी का आधा वेट इस स्टैंड पे रखूंगी और जितना ये प्रेशर सहन कर सकते हैं उतना प्रेशर मैं इनके हिप ज्वाइंट के ऊपर डालूंगी ऐसे। यहाँ स्टिफनेस आ जाती है ज्यादा, जिसकी सिटिंग वर्क ज्यादा है या फील्ड का काम है ज्यादा, स्टैंडिंग वर्क है, तो ये बोन जो होती है ये बल्ज हो जाती है और इसके बीच से साइटिका नर्व निकलती है ये, तो इसमें कंप्रेशन बढ़ने के कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और पैर में दर्द शुरू हो जाता है। ये राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट लेग में भी। तो हमें ये पिलो लगा करके अब इसके ऊपर 90 सेकेंड खड़ा होना है। आपको पैरों के साथ नहीं करना बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना आप हाथ से ही दोगे प्रेशर। अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही डालेंगे हम प्रेशर, ज्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। ज्यादा कम डाल दिया तो आराम नहीं आएगा और ज्यादा डाल दिया तो दर्द बढ़ जाएगा। 90 सेकेंड तक खड़े होंगे ऐसे, नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। बहुत भयंकर पेन होता है ये साइटिका का पेन, इसके लिए लोग बहुत चक्कर काटते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं होता। आप घर में एक बार अप्लाई करके देखना, काफी आराम मिलेगा। फिर भी अगर आराम ना आए तो सीधे आप हमारे सेंटर पे चले आइए। एड्रेस है हाउस नंबर 122 सेक्टर 4 रोहतक। इसमें पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज है आपकी, वो सब हाथों से क्योर की जाती है। कोई दवाई नहीं दी जाती, कोई मेडिसिन का कोई यूज नहीं है इसमें।
अब हम लंबे सांस लो, 90 सेकंड के बाद धीरे धीरे थाई से लेकर के और काफ तक ऐसे प्रेशर डालते जाएंगे इक्वल, और यहां आके इस पैर को यूं दबा देंगे और फिर घिसाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऐसा हम 3 राउंड करेंगे। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो 2 बार और करेंगे सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड से सेम ऐसे ही करके, अगर दोनों पैरों में दर्द है तो दोनों साइड से, और एक पैर में पेन है तो एक पैर का ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब साइटिका को निकालना है, इस पेन को निकालना है। साइटिका का जिसको पेन होगा ना, उसको इन पॉइंट्स में बड़ा सीवियर पेन होता है। अब इनका तो दर्द काफी निकल चुका, नहीं तो बहुत ज्यादा दर्द था इधर, ये प्रेशर भी नहीं ले पा रहे थे हमारा। अब हमें क्या करना है, आप अपने हाथों का यूज करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं आप मेरी नकल करो, इंजरी हो जाए कुछ पेशेंट के साथ, आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि ये बैलेंस जरूरी है। अब दोनों पैर मोड़िए, लंबा सांस लेते हुए खाली करते हुए पैर सीधे करो, ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाते जाएंगे, पैर मोड़ो सीधे करो, फिर मोड़ो सीधे करो, फिर मोड़ो सीधे करो, फिर से मोड़िए सीधे करिए, फिर से। ध्यान रखना नी जॉइंट के ऊपर ना जाए, आपका पटेले के ऊपर पैर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घुटना टूट जाएगा। बस घुटने से ऊपर ही रखना है पैर, और फिर इस जगह को छोड़ के जोड़ को फिर नीचे काफ पे चलते हुए जाना है ऐसे, ये। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी हमें 3 बार करने हैं। फिर हमें ये साइटिका वेन होती है ये पैर के बीचों बीच, जिसको पैर में ज्यादा दर्द होगा तो यहां पर बहुत सीवियर पेन होता है पंजे के बीच में, तो हमें इसको प्रेस करना है कैसे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 बार इसको, फिर रिलैक्स कर देंगे ऐसे ही सेम दूसरे पैर को करेंगे। ये करने के बाद सैक्रल की घिसाई करेंगे, अब L5 से S5 तक, ये पैरों से नहीं करना, हाथ से करोगे, हाथ से कैसे करोगे ऐसे, 1, 2 ठीक है, 1, 2 सांस लो छोड़ते जाओ मुंह से, जादुई ट्रीटमेंट है ये, करके देख लेना, चाहे किसी को कितना भी पुराना पैरों में दर्द क्यों ना हो, ऑपरेशन केस को नहीं छेड़ोगे आप, एक्सीडेंट केस को नहीं छेड़ोगे, बाकी चाहे कोई भी हो ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, तुरंत आराम आएगा बिल्कुल। ये सैक्रल की घिसाई करेंगे हम 15 से 20 बार, यहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ऐसा करने से, और फिर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सेकंड का प्रेशर डालेंगे, 3 बार ऐसे और 3 बार इसका उल्टा। अब इधर से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, पूरी स्पाइन का तनाव निकल जाएगा, जितना भी स्ट्रेस है, ब्लड सर्कुलेशन जहां रुका हुआ है
थैंक यू।